नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं हूं ओम प्रकाश। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड की पारी 8 विकेट पर 241 रन बना पाई है। इंग्लैंड की ओर से धुआंधार बॉलिंग करते हुए लियम प्लंकेट और क्रिस ओक्स ने 3-3 विकेट लिए। वहीं जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट मिला। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जोफ्रा आर्चर इस मैच में भारी पड़ जाएंगे इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये बात जरूर रही कि उन्होंने बॉलिंग बहुत कसी की, जिसका फायदा लियम प्लंकेट और क्रिस ओक्स को मिला और उन दोनों ने 3-3 विकेट आउट किए। जहां तक जोफ्रा आर्चर का सवाल है तो उनको 1 विकेट सिर्फ मिला। अब न्यूजीलैंड को मैच इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 242 रनों की जरूरत है। और जहां तक अगर देखा जाए तो इस मामले में इंग्लैंड ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जेसन रॉय जिस तरह से पिछले 3 मैचों से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको रोकना मुश्किल होगा। उसके अलावा जॉनी बेयरस्टो जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है, जो रूट जिस तरह से खेल रहे हैं अब तक जैसा उनका प्रदर्शन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड करीब करीब इस मैच में विश्व विजेता बनकर उभरेगा। हालांकि ये क्रिकेट है, इसके बारे में भी कोई भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं। जहां तक कि न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की ओर से आज जो उनके बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए। केन विलियमसन लगातार संघर्ष करते रहे, हालांकि उन्होंने पारी को जमाया और जब वो लय में आ रहे थे और उसी समय वो आउट हो गए। इसके बाद में टॉम लाथम ने बढ़िया पारी खेली, एक अर्धशतक और न्यूजीलैंड की तरफ से लगाया गया, तब जाकर न्यूजीलैंड 50 ओवर में 241 रन बना पाया है। अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 242 रनों की दरकार है और अगर आज इंग्लैंड मैच जीतेगा तो वो विश्व क्रिकेट में पहली बार विश्व कप चैंपियन बनेगा। दोनों टीमें चाहे इंग्लैंड जीते चाहे न्यूजीलैंड जीते, तो ऐसी ये टीमें हैं जो पहली बार विश्व कप जीतेंगी और जाहिर है कि इंग्लैंड 27 साल के बाद विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले इंग्लैंड 1992 में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विश्व कप खेला गया था उस समय फाइनल में पहुंचा था। तो इंग्लैंड के पास इस बार विश्व चैंपियन बनने के लिए पूरे चांस हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी जैसे खतरनाक बॉलर हैं और लोकी फर्ग्यूसन को भला कौन भूल सकता है, जो अब तक सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि यह मुकाबला रोमांचक होने वाला है। अगर ट्रेंट बोल्ट चल निकले तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम लगातार इस मैच पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई इस मैच में बड़ी घटना होगी हम आपके पास तुरंत उपलब्ध होंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।